इधर राजधानी भोपाल के बस यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है। शहर के अंदर 10 रूट पर चलने वाली 149 लो फ्लोर बसों के पहिए गुरुवार को अचानक फिर थम गए। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रोजमर्रा काम के लिए बस से सफर करने वालों को एक बार फिर परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी भोपाल के 10 रूट पर दौड़ने वाली कुल 149 सिटी बसों पर गुरुवार को फिर से ब्रेक लग गया है। टिकट एजेंसी चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग की है। इसके चलते बस ऑपरेटर माँ एसोसिएट ने भी बसें डिपो से नहीं निकाली। यही वजह है कि यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैरागढ़, चिचली, करोंद, अयोध्या नगर, भौरी, मंडीदीप, कोकता, लाल घाटी, चिरायू हॉस्पिटल, मिसरोद एयरपोर्ट, गांधीनगर समेत कई जगहों पर यात्री बसों का इंतजार करते हुए देखे गए। भोपाल में 149 सिटी बसों की जो पहिए है वो एक बार फिर से थम चुका है और एक बार फिर जो है ये बसें यहाँ पर BCLL के दफ्तर में ही लगी हुई हैं। आपको बताएं कि 4 जून से ये बसें संचालित नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो लोग इससे सफ़र करते हैं रोज़, उन्हें खासा परेशानी हो रही है। किस वजह से ये गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लगी हैं, तो आपको बताएँ कि ये जो वजह है वो ये है कि BCLL और नगर निगम के बीच का जो विवाद है, इसकी वजह से इन गाड़ियों का परिचालन नहीं हो रहा है। इससे पहले 7 दिन तक जून के महीने में भी जो है ये गाड़ियां ऐसे ही ठप पड़ी रही थी। उस समय जो बसों के ड्राइवर है और कंडक्टर है वो PF की राशि जमा नहीं होने पर हड़ताल कर रहे थे, और एक बार फिर 4 जुलाई से ये बसें जो है यहां पर खड़ी हैं और इनका संचालन नहीं हो रहा है, इनका परिचालन नहीं हो रहा है, और वजह यह है कि नगर निगम और BCLL जो है इसके बीच का विवाद। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले जून में करीब 7 दिन तक बसें नहीं चली थी। कंडक्टर ड्राइवरों ने PF की राशि जमा नहीं किए जाने के मामले में हड़ताल की थी। ये मामला जैसे तैसे सुलझा और कुछ दिन बसें चली ही थी कि गुरुवार को फिर से इनके पहिए थम गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से वे रूट हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गांधीनगर से अयोध्या नगर जाने वाली कुल 17 बसें ठप हुई हैं, तो वहीं ईदगाह हिल से एम्स तक जाने वाली 10 बसें, पुतली घर से CRPF कैंप बंगरसिया जाने वाली 16 बसें हड़ताल पर हैं। करौंद से बैरागढ़ चिचली जाने वाली 10 बसें, तो वहीं भौरी से मंडीदीप जाने वाली 2 बसों पर ब्रेक लगा हुआ है। कोकता से लाल घाटी जाने वाली 26 बसें, कोच फैक्ट्री से बैरागढ़ चिचली जाने वाली 31, तो वहीं आकृति इको सिटी से चिरायू हॉस्पिटल जाने वाली कुल 33 बसों का परिचालन बंद है। नारियल खेड़ा से LN सिटी कॉलेज तक के लिए 2 बसें और मिसरोद से एयरपोर्ट जाने वाली 2 बसों का परिचालन बंद किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में ड्राइवर्स की माने तो इस हड़ताल के लिए अधिकारियों की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने भी अपनी मांग सामने रखी है। बताइए किस वजह से ये बसें नहीं चल रही हैं। मैडम, हमें ज्यादा जानकारी मालूम नहीं है, हमारे तो सिर्फ कंपनी ने बोला है गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी तो नहीं निकलेंगी। हमारे जो अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ अब नहीं निकलेंगी, ये नहीं पता हमें वजह क्या है, क्यों नहीं। डिपो से 149 बसों का संचालन किया जाता है, इसमें जो हमारी बसों के संचालन में टिकट कलेक्शन एजेंसी है चलो, वो टिकट कलेक्शन का कार्य करती है, और अभी कंडक्टरों को उनके द्वारा ड्यूटी नहीं दी जा रही है। इस पर चर्चा चल रही है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की जा रही है, जल्दी सॉल्व किया जाएगा और बसों का संचालन किया जाएगा। बसों की हड़ताल पर चले जाने से बस से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे में ये हड़ताल कब तक चलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। BCLL और चलो ऐप के बीच जो अनुबंध है, इस वजह से लेकर जो कोई परेशानी कुछ आ रही है, इसकी वजह से जो परिचालन है बसों का वो नहीं हो पा रहा है और बसें जो है वो वहाँ डिपो में खड़ी हैं। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ प्रतिज्ञा विस्तार न्यूज़।